हेलो व्यूअर्स, मैं सुप्रिय रहमन आप सभी को सेफटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है कैसे IDFC म्यूचुअल फंड का SIP आप बीच रास्ते पे कैसे स्टॉप करेंगे ऑनलाइन पे ही। काफ़ी समय देखा जाता है कि IDFC या कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो जितने हम लोग समय के लिए म्यूचुअल फंड का SIP करते हैं उतने समय तक किसी कारणवश उसे हम लोग पूरा नहीं कर सकते या कभी म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं होता, इसलिए उसे हम लोग बंद कर देते हैं या स्विच कर लेते हैं। तो आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है कैसे आप IDFC म्यूचुअल फंड का SIP को स्टॉप करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप लोग एक बात याद दिला दूं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो बेल आएगा उस बेल को क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड किया गया नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना पैन नंबर, पासवर्ड और OTP के जरिए IDFC म्यूचुअल फंड के जो साइट है उस साइट पे आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद होम पेज पे आपको ऐसा दिखाई देगा। लॉगिन करने के बाद जो पेज ओपन होगा वो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा जैसे कि माई पोर्टफोलियो, अकाउंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्ट ऑनलाइन और माई प्रोफाइल। अब नीचे ओवरऑल सामरी होगा। इस ओवरऑल सामरी पे आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया है म्यूचुअल फंड पे उसका करंट वैल्यू दिखाई देगा। उसके बाद कितने अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसका अमाउंट दिखाई देगा। उसके बाद अनरियलाइज गेन यानी कि आपके जो म्यूचुअल फंड है उसका कितना गेन या लॉस है वो यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे परसेंटेज दिखाई देगा। अगर कोई गेन या लॉस आपने बुक किया है उसका डिटेल भी यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा फोलियो वाइज सामरी यानी कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फोलियो नंबर है यानी कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स है फोलियो के वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर सिर्फ एक है इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। तो मेरा जो फोलियो है फोलियो SIP के द्वारा इन्वेस्ट होता है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो SIP है इसे मैं अभी बंद कर दूंगा। तो चलिए इसे बंद करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा अकाउंट ट्रांजेक्शन जो मेनू है उस मेनू पे। तो चलिए अकाउंट ट्रांजेक्शन मेनू पे क्लिक किया। अकाउंट ट्रांजेक्शन मेनू पे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अकाउंट स्टेटमेंट, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, पेंडिंग और रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन और शेड्यूल ट्रांजेक्शन। हम लोग को जाना पड़ेगा शेड्यूल ट्रांजेक्शन पे। तो चलिए शेड्यूल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब शेड्यूल ट्रांजेक्शन में SIP, STP, SWP, डिविडेंड स्वैप और स्टेटमेंट स्टेटस का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो SIP के द्वारा है तो SIP के अंडर वो फोलियो नंबर आपको दिखाई देगा। अगर STP के अंडर है तो STP सिलेक्ट कीजिए, अगर SWP के अंडर है तो SWP सिलेक्ट कीजिए। मैंने पहले ही बोला था मेरा जो फोलियो नंबर का इन्वेस्टमेंट है वो SIP के द्वारा है यहाँ पर, इसलिए SIP सेक्शन पे इसे दिखाई दे रहा है। अब और एक ऑप्शन आपको मिलेगा वो है रजिस्ट्रेशन मोड यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था अपना फोलियो वो ऑनलाइन पे था या ऑफलाइन पे था। अगर ऑनलाइन के द्वारा आपने किया है तो ऑनलाइन सिलेक्ट कीजिए, अगर आपने ऑफलाइन किया है तो यहाँ पर ऑफलाइन सिलेक्ट कीजिए। ऑनलाइन पे सिर्फ ऑनलाइन के द्वारा जितने भी फोलियो रजिस्ट्रेशन किया गया था वही सारे फोलियो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर ऑफलाइन पे किए थे तो ऑफलाइन सिलेक्ट कीजिए और ऑफलाइन पे जितने भी सारे फोलियोज है वो आपको दिखाई देगा। मेरा जो फोलियो है ऑनलाइन के द्वारा क्रिएट किया गया है इसलिए ऑनलाइन सिलेक्ट किया है यहाँ पर और नीचे मेरा जो फोलियो नंबर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसे मैं बंद करना चाहता हूँ इस SIP को। तो चलिए अब जो नीचे जो स्क्रॉल बार दिया गया उसे दाहिने तरफ ले जाइए। जब दाहिने तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा वो है एक्शन। जितने भी सारे फोलियोज होंगे उसके अगेंस्ट पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टॉप SIP यानी कि आप SIP को स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टॉप SIP पे क्लिक कीजिए। तो मैं इसे स्टॉप करना चाहता हूँ तो यहाँ पर स्टॉप SIP पे क्लिक करना है। तो चलिए स्टॉप SIP पे क्लिक किया। स्टॉप SIP पे क्लिक करते ही आपका उस फोलियोज का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि फोलियो नंबर, स्कीम, रेफरेंस नंबर, अमाउंट कितने अमाउंट करके हर महीने SIP के आ जाता है, फ्रिक्वेंसी ये मंथली है या क्वार्टरली है, जो फ्री फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद दिखाई देगा स्टार्ट डेट यानी कि किस डेट से आपने स्टार्ट किया था और एंड डेट इस फोलियो का एंड डेट कौन सा है, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स या बैंक मैंडेट का जो नंबर होता है वो यहाँ पर दिया रहेगा और उसके बाद नीचे
एक बटन है स्टॉप एसआईपी, स्टॉप एसआईपी क्लिक करके इस एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप कॉन्फर्म हो जाए आप जो एसआईपी को बंद करना चाहते हैं वो यही एसआईपी है या नहीं। यहाँ पर जितने भी सारे इंफॉर्मेशन है इसे देख के कॉन्फर्म हो जाए, उसके बाद नीचे दिया गया जो स्टॉप एसआईपी है स्टॉप एसआईपी पे क्लिक कीजिए। तो चलिए हम लोग इसे स्टॉप करना चाहते हैं। स्टॉप एसआईपी पे क्लिक करने से पहले और एक बात बता दूं कि आप जब इस एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं, इस स्टॉप करने के वक्त अगर कोई इस एसआईपी का कोई इंस्टॉलमेंट क्यू में है यानी कि प्रोसेसिंग के लिए रेडी है, तो अगर आप इसे स्टॉप भी कर दें फिर भी वो इंस्टॉलमेंट आपके बैंक से कटेगा। मान लीजिए आज 5 तारीख है, 6 तारीख को आपका एसआईपी का प्रोसेसिंग डेट है, तो पहले से ही इसे क्यू पे रखा जाता है। अगर क्यू पे अगर ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट हो तो स्टॉप करने के बाद भी वो इंस्टॉलमेंट एसआईपी का कटेगा। तो चलिए आप यहाँ पर स्टॉप एसआईपी क्लिक करते हैं। स्टॉप एसआईपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा द एसआईपी रजिस्ट्रेशन हैज बीन और विल बी कैंसिल ऑन डेट 14 जून 2019, यानी कि मेरा जो स्टॉप एसआईपी है वो एग्जीक्यूट होगा 14 जून 2019 को आईडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है उनके तरफ से। लेकिन उसके साथ आप लोगों को और एक काम करना है, वो है बैंक पे जो मैंडेट फॉर्म भर के आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ईसीएस इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर किया था उसे भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन पे एसआईपी का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए थे तो उसे भी आप बैंक से कैंसिल कर दीजिए। स्पेशली अगर आपका जो डेबिट है ऑटोमेटिक होता है यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है, तो बैंक का जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ईसीएस इंस्ट्रक्शन है उसे कैंसिल कीजिए, नहीं तो आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक ये डिडक्ट होते रहेगा। तो चलिए हमने एसआईपी का स्टॉप रिक्वेस्ट डाल दिया है और वो 14 जून 2019 तक डिजेबल हो जाएगा। इसके साथ इस फोलियो में आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल जाएगा, यहाँ पर जो लिखा है इसे दोबारा उस ईमेल के जरिए आपको बताया जाएगा आपका जो एसआईपी कैंसिल रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट किया गया और उसे प्रोसेस किया जाएगा। उसके साथ आपका जो बैंक मैंडेट फॉर्म है यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ईसीएस है उसे भी आप ऑनलाइन बैंकिंग या ब्रांच पे जाके उसे कैंसिल कीजिए ताकि गलती से और कोई ट्रांजेक्शन ना हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप और भी आसानी से अपना एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं ऑनलाइन पे घर बैठे ही। और ये भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या कोई सवाल सुझाव या कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।